प्लगइन्स, तो जो स्टैंडर्ड QGIS होता है जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो कोर प्लगइन्स होते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए होते हैं, बट क्या होता है कभी कभी वो प्लगइन्स एक्टिव नहीं होते, तो हमें क्या करना है, प्लगइन्स अगर हमें कोई एडिशनल प्लगइन चाहिए तो हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लस जो एग्जिस्टिंग प्लगइन्स है उसको हमें अनेबल करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने QGIS का स्क्रीन ओपन कर लिया है, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्लगइन, ओके, मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन, फिर यहाँ पर आपको दिखेगा मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन का ये जो विंडो होगा, इंस्टॉल प्लगइन्स है ना वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, ओके, जैसे जियो रेफरेंसर GDAL ये वाला प्लगइन है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करके इसको डिस्प्ले करना है, तो ये आपके मेन्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको कोई प्लगइन है जो आपको इंस्टॉल करना है तो आप उस प्लगइन को क्लिक करके इंस्टॉल प्लगइन ऐसे कर सकते हो, तो आपका वो क्या होगा, वो प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। और सेटिंग्स यहाँ पर जाके आप शो एक्सपेरिमेंटल प्लगइन्स इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी एक्सपेरिमेंटल प्लगइन्स होंगे वो भी दिखेंगे, और ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई प्लगइन्स नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके आप क्लिक कर सकते हैं शो ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल प्लगइन्स, ओके, ये देखिए, ये अगर एक बार आपका प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएगा तो वो फिर वो प्लगइन यहाँ पर मेन्यू में दिखेगा।